हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम भी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों, नाबार्ड की जब भी हम बात कर रहे हैं, नाबार्ड फेज टू की, सो सबसे अच्छी चीज अभी इस बार ये है 2024 में कि आपके पास 22 डेज है। तो 22 डेज में जब भी हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा प्रिपरेशन ओरिएंटेड, मतलब सेल्फ प्रिपरेशन ओरिएंटेड आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। सेल्फ प्रिपरेशन ओरिएंटेड का क्या मतलब होता है कि आपको खुद से ज्यादा फोकस करना है मॉक टेस्ट में, डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट में, क्योंकि यहाँ पे जो दो मेजर एग्जामिनेशन है वो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव एआरडी, ऐसा ही आपका सब्जेक्ट होगा। तो आज हम बात करेंगे कि लास्ट टाइम क्या कट ऑफ रही है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होता है और कहाँ पे आप गेन कर सकते हैं। सबसे पहले जर्नलिस्ट का मेन्स का एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज कॉमन है, वो क्या है, वो है पेपर वन। सो दोस्तों, पेपर वन कॉमन होगा जर्नलिस्ट के लिए और स्पेशलिस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए। और उसमें क्या होने वाला है, उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। उसमें तीन क्वेश्चन बेसिकली आपको दिखेंगे, तीन क्वेश्चन में एक लेटर राइटिंग का, एक ऐसे राइटिंग का और एक प्रेसे राइटिंग का, प्रेसे राइटिंग का। तो ये तीन क्वेश्चन होते हैं। लेटर राइटिंग जनरली 200 वर्ड्स में होती है। लास्ट टाइम ऐसे राइटिंग वर्ड्स 600 वर्ड्स में दी थी और जो प्रेसे राइटिंग थी वो 120 वर्ड्स में। तो यहाँ पे तो मोर देन सफिशियंट टाइम होता है। उसके बाद क्या होता है, 2 आवर का लगभग इंटरवल होता है, आप बाहर जा सकते हैं। और उसके बाद पेपर टू शुरू होता है एआरडी एंड ईएसआई का। इसमें 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं। इस ऑब्जेक्टिव का बाइफर्केशन अगर हम करेंगे तो 2 मार्क के 20 क्वेश्चन होते हैं तो ये 40 मार्क्स हो गया। 1 मार्क के 10 क्वेश्चन होते हैं तो ये 10 मार्क्स हो गया, ये 50 मार्क्स हो जाता है। और सिमिलरली डिस्क्रिप्टिव 6 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से कि 2 आपको करने होते हैं तो ये 30 मार्क्स का हो गया। और साथ ही साथ 3 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के जिसमें से कोई 2 करने होते हैं, सो ये 20, ये 50 टोटल हो जाता है यहाँ पे। और ये 50 और 50, तो मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि अगर आप देखेंगे नाबार्ड को क्लियर करने के लिए ना, 4 सेगमेंट में इसको डिवाइड किया सकता है। एक होता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, एक होता है आपका जो पेपर टू है उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट, एक पेपर टू का डिस्क्रिप्टिव पार्ट और फिर लास्ट में इंटरव्यू। अब सबका वेटेज आप देख लीजिए, ये 100 मार्क्स का है, ये 50 मार्क्स का, ये 50 मार्क्स का है, ये 50 मार्क्स का है। अब इन सबका मिला के ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो अब यहाँ पे ना कोई भी चीज को आपको कम नहीं करना है या कोई भी चीज को इग्नोर नहीं करना है। और अगर लगता है कि यार ये मेरी स्ट्रेंथ है तो उस पर ज्यादा काम करना है, लगता है ये वीकनेस है तो उसको उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करना है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना है दोस्तों, हमेशा किसी भी चीज को इग्नोर करके ना चले। मैंने देखा कि बच्चे किसकी प्रिपरेशन करते हैं पूरे टाइम ऑब्जेक्टिव या फिर डिस्क्रिप्टिव में, उसमें भी कोई एक से ही पता को लिमिटेड रहते हैं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को तो बहुत इग्नोर करके चला जाता है। बट आप देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में सब कुछ पता है, क्या क्वेश्चन आने वाला है, फॉर्मेट ही लिखना है, कोई वहां पे टेक्निकल नॉलेज नहीं पूछी जाती है। और ये 100 मार्क्स का है तो आप इसको इग्नोर करके मत चलिएगा मार्क्स, क्योंकि जब लास्ट में सिलेक्शन नहीं होता है ना 1 मार्क्स से या 1.5 मार्क्स से, तब फिर कहना बहुत मुश्किल है कि कहाँ पे आप गेन कर सकते थे। तो ये चीज अभी सोच के चलिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। कट ऑफ की बात करें, 2023 में ओवरऑल कट ऑफ गई थी 128.50, 2022 में गई थी 130 और उससे पहले गई थी 118। इस बार पेपर काफी टफ आया था 2021 में। अब देखिए पेपर वन जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है उसकी कट ऑफ थी 53.25, उससे पहले 49 था, उससे पहले 50 थी। तो अगर आप देखेंगे ना ये इसी रेंज में रहती है, 60-65 तक तो हाईएस्ट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव मार्क्स देखेंगे जो पेपर टू का, वहाँ पे 22.5, 19 और 18। अब ये ना बहुत पहले से डिसाइड नहीं की जा सकती, इस पर डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे। हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की जनरली कट ऑफ 60 तक रहती है, 65 तक भी जाती है, बट मोर और लेस यहाँ पे मीडियम रहता है। देन पेपर टू डिस्क्रिप्टिव देखेंगे 31, 23 और 21। तो अगेन ये भी किस पे डिपेंड करता है, एग्जामिनेशन के लेवल पे। ओके, सो अब आपको देखना कि ओवरऑल आज सिलेक्शन के लिए ये कट ऑफ रहती है। यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि किसी साल हो सकता है कि डिस्क्रिप्टिव बेटर हो, ऑब्जेक्टिव इतना अच्छा ना हो। कभी हो सकता है कि डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों डिफिकल्ट आए, बट और इंग्लिश भी सेम चीज है। इंग्लिश में तो खैर मोर और लेस हमेशा आप देखेंगे क्योंकि 3 क्वेश्चन है तो वो रेंज सिमिलर रहती है। बट आपको ये देखना है कि आप इन सभी में से किसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे और किस कौन सा आपकी वीकनेस के अकॉर्डिंग आप उसको प्रिपेयर करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कट ऑफ है, ये ध्यान रखिए कि ये कट ऑफ है। कट ऑफ का मतलब क्या होता है, लास्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट के मार्क्स। तो जरूरी नहीं है कि जिस स्टूडेंट को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया होगा उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 120 में 50 भी जोड़ेंगे तो भी कितना दूर नंबर है। तो आप समझ जाइए कि ये कट ऑफ होती है, इसलिए कट ऑफ को कभी भी टारगेट नहीं बनाना चाहिए। कट ऑफ तो लास्ट स्टूडेंट के मार्क्स है, उसको थोड़ी चेज किया जाता है कभी भी, तो ये ध्यान रखिएगा। बट ये समझना बहुत जरूरी है। आगे चलने से पहले मैं बता दूं, एग्जाम भी नाबार्ड के लिए लेकर आया है बेस्ट कोर्सेस, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का कोर्स सेपरेटली मिल जाएगा, सिमिलरली नाबार्ड एआरडीएन ईएसआई का कोर्स सेपरेटली मिल जाएगा और दोनों को आप ज्वाइंट में भी ले सकते हैं। तो ये तीनों कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, आप अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, स्ट्रेंथ वीकनेस के अकॉर्डिंग चीजों को ले सकते हैं। ओके, तो ये थी, बाकी सब्जेक्ट में भी आप कट ऑफ देख सकते हैं, बट बाकी
कट ऑफ, बाकी सब्जेक्ट में भी कट ऑफ में अब ये कोई लॉजिक नहीं होता कि जनरल से कम जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो सबके पेपर अलग अलग हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है। देन सिमिलरली डिसिप्लिन वाइज अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये डिस्क्रिप्टिव पेपर की ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव की दी है, तो आप अगर डिफरेंट स्ट्रीम से, आईटी से, फाइनेंस से हैं, सिविल से हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको मैं शेयर कर दूंगा। ओके, इसके अलावा मैंने आपको बताया पढ़ना अभी से शुरू करना है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा आपको नहीं सोचना है, क्योंकि कट ऑफ से हम किस पे डिपेंड करेगी, पेपर के लेवल पे और कंपटीशन पे, है ना। अभी आपको क्या करना है, अपने हर दिन को यूटिलाइज करना है, हमने आपको स्टडी प्लान दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग चीजों को फॉलो कीजिए, पढ़ाई करिए, सारी चीजों के लिए टाइम इक्वल डिवाइड कीजिए, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है, डेली उसमें एक नए टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए, और डिस्क्रिप्टिव एआरडी एंड ईएसआई में दोनों ही अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, दोनों ही, जैसे ये टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी और नेचुरल ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो दोनों के ही क्वेश्चन लेके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की। ये सारा कुछ हमने आपको कोर्स के अंदर दिया हुआ है, इसके अलावा हम डेली डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमारे लाइव क्लास का शेड्यूल है जिसको आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी लर्निंग हमारी किससे, कट ऑफ की बेसिस पे, ये हम आपको डेली डिस्क्रिप्टिव के लिए दे रहे हैं, जिसमें कि हम एक आपको रेलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और उससे रिलेटेड कंटेंट भी, और उसके बाद जो क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर भी रहते हैं, आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं, बट टाइम कम है तो पढ़ना है, उस पर फोकस करना है और बहुत अच्छे से आगे बढ़ना है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।